हमारे पास एक्टिवा आया हुआ है। एक्टिवा में क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि गाड़ी को की मारना पड़ता है बहुत, और कभी सेल भी मारना पड़ता है, और सेल मारते मारते बैटरी पूरा डाउन हो जाता है, फिर बाद में कीक से गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। अगर कभी भी आपके गाड़ी में ऐसे हुआ है, पहले आपका जो चोक केबल होता है, जो चोक आगे लगा हुआ रहता है, वो खींचना चाहिए कि आपका बराबर मुंह कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी ये देख लिया मैंने, एक चोक खींचा तो देख लीजिए अटक गया हुआ, इसे पकड़ लिया इधर जाम हो गया हुआ है, इसको उसे रिटर्न करना चाहिए वापस। रिटर्न करना से रिटर्न एक जा रहे नहीं जा रहे, रिटर्न देखो अभी ये चले गया हुआ है, जो चोक केबल होता है, चोक केबल जो लगाया हुआ है, चोक केबल जाम हो गया हुआ है, इसलिए बराबर मुंह नहीं कर रहा है। तो इसको चोक केबल कैसे इसमें लगाया जाता है उसका तरीका बताऊंगा। और गाड़ी जो स्टार्ट नहीं होता है, जैसे चोक काम नहीं कर रहा है, तो पहले आपको जैसे चोक केबल डालने से पहले इसको देख लेना चाहिए कि बराबर मुंह कर रहा ही नहीं कर रहा, रिटर्न जा रहा ही नहीं जा रहा इसे। अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, पहले ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको निकाल दे रहा हूँ मैं इसे। यहाँ देखो स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू थोड़ा इसको ढीला कर दे, ढीला करेंगे तो क्या होता है, ये इजी से बाहर आ जाता है। ये बाहर आने के बाद यहाँ इसमें लगा हुआ रहता है, देखिए इसमें खांचा लगा हुआ है, खांचा देखो कट है इसमें, इधर खांचे में इधर डाल के इसे वायर ले लेना चाहिए नया वायर। अभी मैंने ओपन कर दिया हूँ, और इसका चोक केबल आपका समझ लो जाम है, ये भी चेक कर लेना चाहिए, ये भी जाम है, फ्री है देख लीजिए, अभी ये फ्री है। और अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश का जब मौसम आएगा, जब इधर मेट फ्लेप, एक मेट फ्लेप आता है एक्टिवा में, कोई भी एक्टिवा में मेट फ्लेप लगा हुआ रहता है, अगर मेट फ्लेप नहीं लगा हुआ रहेगा इसका कचरा पूरा इधर आ जाता है, आने के बाद आपका ये जो है चोक एक काम नहीं करेगा, क्योंकि पूरा इसमें पूरा धूल मट्टी पूरा कचरा इसके अंदर पूरा कार्बोरेटर के अंदर आके पूरा जम जाता है। बारिश से पहले अगर आप लगाओगे तो आपका कार्बोरेटर भी अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होता है कार्बोरेटर भी इसके अंदर पूरा कचरा आगे से पूरा मट्टी जम जाता है, तो कार्बोरेटर भी खराब हो जाता है। अभी मैंने इसमें मेट फ्लेप लेके आया हूँ मैं, अभी मेट फ्लेप लगाएंगे, अभी लगाने का तरीका दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। ये देख लीजिए एक लाइन में समझ लो एक दो तीन चार, जो चार होल है तो इस तरफ जाएगा, और जो तीन है जैसे एक दो तीन तो इधर इधर और इधर लगेगा। अगर आपको समझ लो ये जो गुंडी होता है, देखो दिख रहा है आपको सामने, अगर आपका टूटा हुआ है तो आपको क्या करना है, ये स्क्रू आपके पास अगर मिल रहा होगा तो ये भी स्क्रू इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको ये स्क्रू मिलेगा तो ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो होल है ये देख लीजिए, इसमें ये होल है, होल के अंदर लगा के इसको जब टाइट करोगे, ये देख लीजिए एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, होल में लगा के टाइट करोगे टाइट हो जाएगा ये, अगर आप समझ लो टूटा हुआ है पूरा है तो। इस तरीका इसका लगाने का तरीका ये है मेट फ्लेप का, मेट फ्लेप आपका कार्बोरेटर को सेप रखेगा, ये जो कार्बोरेटर है ये सेप रखेगा, इसके कचरा नहीं आने देगा, इसलिए मेट फ्लेप इसमें कंपलसरी रहना चाहिए। बारिश से पहले आप लगा दोगे, जैसे अभी बारिश आने वाली है, अगर उससे पहले लगा दोगे तो आपका कार्बोरेटर सेफ रहेगा। अभी ये बता दिया, दूसरा बोल रहा हूँ, अभी तीसरा बोल रहा हूँ बताने जा रहा हूँ मैं, चोक केबल आपको अगर चेंज करना है, चेंज करने का तरीका, जैसे आपको चोक केबल अभी निकालना है, अभी मैं क्या करूँगा इसमें, इसमें एक रस्सी बांधूंगा, ये देख लीजिए रस्सी है, कोई भी ऐसे रस्सी लेके इसमें बांध देना चाहिए। अभी देखिए रस्सी से मैंने बांध दिया हूँ, अब इसको मैं आगे, ये देख लीजिए आगे, अब इसको निकाल लेना चाहिए, देखो रस्सी भी अभी आ जाएगा, ये देख लीजिए अभी रस्सी को वापस यहाँ से खोल देना चाहिए। अभी रस्सी मैंने खोल दिया हूँ, अब इसको चोक केबल जो होता है निकालने का तरीका कैसे, इसमें नट लगा हुआ रहता है, आप पकड़ के इसको खोल के इसको बाहर निकालना चाहिए नट को।
ये देखिए इसको मैंने बाहर निकाल दिया हूँ, अब इसको आगे से खींचना चाहिए। इसी तरीके आप अभी जैसे आगे खींचोगे इसी तरीके आप उसको नया लगाना चाहिए। अभी नया मैंने लगा दिया हूँ, अभी इसको जैसे पीछे अगर घसीटना है तो वापस मैंने इसमें रस्सी जो होता है वापस इसको बांध के पीछे घसीटूंगा तो बराबर इजी से ये पीछे आ जाता है। ये देख लीजिए केबल मैंने लगाया, थोड़ा आगे घसीटा हूँ जो आगे से पीछे और पीछे देख लीजिए, इसको घसीटने से ऐसे आ जाता है। और वापस आगे जाके देखना चाहिए कि केबल हमारा जो होता चौक केबल बेंड तो नहीं है, वापस देखना चाहिए इधर। ये देखो केबल बेंड नहीं है ना, केबल कभी क्या होता है इधर बेंड हो जाता है, अभी बेंड नहीं है। वापस इसको खोल देना चाहिए, ऊपर लगा दे रहा हूँ, ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ चौक अभी कैसे बराबर बराबर मूव करेगा। ये देखिए दोस्तों मैंने मेड फ्रेम भी लगा दिया हूँ, यहाँ से इधर से ऐसे लगा दिया हूँ। ऐसे लगाने के बाद देखिए यहाँ तक रहते हैं मेड फ्रेम, इधर तक पूरा लगा दिया हूँ मैं। और जो चौक केबल होता है वो भी नया डाल दिया हूँ। अभी चौक केबल देखो खींचा, इसको डाउन किया, बराबर परफेक्ट काम कर रहा है। देखिए इस तरीके आपका चौक केबल काम करना चाहिए तो आपकी गाड़ी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। और वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बाइक अगर उसमें है स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रहा है चौक देखे देखे देखना चाहिए स्टार्ट करेगी। अगर स्टार्ट हो रहा है तो मतलब सही है, अगर नहीं स्टार्ट हो रहा है तो मतलब और कुछ प्रॉब्लम है। और सेकंड, कोई भी स्कूटर जिसमें चौक केबल लगा हुआ है जो इसको बोलते चौक केबल, कभी भी सुबह से लेकर शाम तक नहीं तो एक या दो दिन तक उसके बाद भी अगर इस्तेमाल करना चाहिए चौक केबल, नहीं तो क्या होता है जाम हो जाता है। चौक जो होता है कंपनी ने इसलिए दिया हुआ कभी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हुआ तो चौक दे के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए चौक केबल कोई भी, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बाइक कोई भी स्कूटर जिसमें स्कूटर वाला है अगर आप चौक इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे ही गाड़ी का चौक केबल जाम हो गया उससे भी आपकी गाड़ी का हो सकता है जाम, इसलिए आप चौक इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से क्या होता है जो अंदर का इनर होता है फ्री रहता है, नहीं तो जाम हो जाता है, अगर यूज नहीं करोगे तो जाम हो जाता है। ये सब चीज़ करना चाहिए तो आपकी गाड़ी का सही रहेगा चौक केबल। या अभी आप स्केलेटर देके चलाते हो तो इसलिए स्केलेटर फ्री रहता है, चौक केबल जाम हो जाता है, रखे रखे कोई भी चीज़ यूज नहीं होता है तो जाम हो जाता है चलने वाली चीज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन घंटी दबाओगे तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा। गाड़ी का चौक खींचा हुआ है, अभी मैं आपको गाड़ी की बैटरी डाउन है इसलिए सेल्फ नहीं मार पा रहा हूँ, अभी किक से मार के स्टार्ट कर दिखा रहा हूँ मैं। गाड़ी स्टार्ट हो गया हुआ है, अभी इसको चौक को खींचूंगा, अभी खींचूंगा तो इंजन साउंड चेंज हो जाएगा। देखो इंजन साउंड बढ़ गया, अभी इसको नीचे करूंगा इंजन का साउंड कम हो जाता है, ज़्यादा होगा ये और एक कम हो गया। अगर ज़्यादा हो रहा है समझना चौक आपका परफेक्ट काम कर रहा है, अगर जैसे फास्ट नहीं हो रहा इंजन समझना आपका चौक काम बराबर परफेक्ट नहीं कर रहा है। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ इंजन फास्ट इंजन स्लो इसी तरीका होना चाहिए। चौक खींचने के बाद कभी कभी इंजन फास्ट हो जाएगा नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी, समझ लेना चाहिए कि चौक बराबर परफेक्ट काम कर रहा है।